हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां, वो अनजाना Welcome, welcome to the greatest, Asha ji. Thank you very much. Karono Mek, actress, producer, philanthropist, Asha Parekh. मैं आज इसलिए यहाँ आई हूँ कि ये लोग बच्चे लोग जो है जी मैम वो अब फाइनल की तरफ जा रहे हैं. बिल्कुल, सिर्फ 15 दिन. लेकिन ये बच्चे जो है ये हिंदुस्तान के बेस्ट बच्चे एवर है. क्या बात है! थैंक यू सो मच आशा जी. प्लीज अपने स्थान को ग्रहण कर लें और हमारे शो को एंजॉय करें. प्लीज ब्लेस अस. आशा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. बुलाते हैं आज की पहली कंटेस्टेंट को, समायरा महाजन. Oh,
बहुत अच्छा लगा दोनों गाने जो थे मेरे, एक सैड था एक हैप्पी था, बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, बहुत अच्छा गाया आपने, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। मुझे लग रहा है कि दुनिया हिलानी चाहिए तुम्हारी इम्प्रूवमेंट के लिए, तुम्हारी डेडिकेशन के लिए और डेफिनेटली तुम्हारे सुपर कॉन्फिडेंस के लिए। शमायरा, दुनिया हिला दी। आशा मैम जी, आप इतना सुंदर मेकअप करते हो और इतने अच्छे बाल बनाते हो, तो आपको हैवी नहीं लगता? आप एक्टिंग कैसे करते हो, कितना मुश्किल होता है आपके लिए? मेकअप तो हैवी नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ हेयर स्टाइल्स इतनी हैवी होती थी हमारे वक्त में कि वो सब कांटे इतने लगते थे कि मन करता था कि सब कांटे निकाल के भाग जाओ कहीं। मुझे याद है कि एक गाना था प्यार का मौसम में, तो उसमें एक फिश रखी थी मेरे सर में सब कर्ल्स के साथ, तो वो इतनी हैवी होती थी कि नहीं पूछो बात, ये होता था कब पैकअप हो और कब ये सब निकाल दूँ। तो ऐसे सब जब डांसेस होते थे तो करना पड़ता था। यू ऑल वर ऑल नेचुरल ब्यूटीज, मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हूँ। नहीं, मेकअप तो करना पड़ता था, लेकिन एज आई सेड कि हेयर स्टाइल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी, कभी कभी डेढ़ डेढ़ घंटा बैठे हुए बाल ही बना रहे हैं, तो ये ज़रा दिक्कत वाली बात थी, लेकिन वो वक्त भी निकल गया। तो चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट, सिंगिंग की साबू आर्यनंदा बाबू। Difficult song, huh? Very difficult.
बहुत सुखी बहुत मेरे पास शब्द नहीं है इतनी छोटी सी लड़की और एक टेक में और बहुत मुश्किल गाने दोनों लिए इसने मतलब इजी नहीं था मुझे याद है कि आए दिन बाहर के गए कि जो अभी इसने गाना गाया उसके जो आलाप थे वो इतने मुश्किल थे कि कई बार मुझे होता था मेरी सांस नहीं वहाँ तक जाती थी और इस लड़की ने बहुत खूब बहुत खूब बहुत मज़ा आया परफेक्ट थैंक यू वाओ एज ऑलवेज तुम तो हमारी बिल्कुल रॉक स्टेडी कंटेस्टेंट हो कभी हिलती नहीं हो अपनी जगह से चाहे कुछ भी हो जाए आशा जी आज यहाँ हैं मैं एक्चुअली छोटे बच्चे होते ना ये मुझे वो करने का मन कर रहा है लेकिन मैं कर नहीं सकती अभी मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आई कांट टेल यू बिकॉज मैं बचपन से उनकी मैड फैन रही हूँ अभी भी हूँ क्या जानू सजन फिल्म बहारों के सपने जी और ये आपकी राजेश खन्ना सर के साथ आपकी पहली फिल्म थी जी राजेश खन्ना जी जब पहले आए मतलब बहारों के सपने उनकी सेकंड फिल्म थी और वो इंट्रोवर्ट तो पहले से थे जी किसी से बात करना नहीं चुपचाप रहना लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम लोगों ने काम शुरू किया कटी पतंग आन मिलो सजना तो उसके बाद वो ज़रा खुल गए तो मतलब अच्छी तरह से बात बात करते थे एक्चुअली मुझसे बहुत डरता था वो हाँ क्योंकि क्या था कि उस वक्त उन्होंने जस्ट बिगिन किया था ना अपनी करियर बिगिन की थी तो वो मतलब ऐसे सहमे सहमे से रहते थे एक बार तो वो मुझे देखकर मुंह फेर लिया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या कर रहा है तो मैं नो डेट्स उसके बाद राजेश खन्ना जी को डांट पड़ी जी तो फिर उसने फ़ोन किया मुझे नहीं नहीं ऐसा मेरा मतलब नहीं था वो क्या है मैं आपसे बहुत घबराता हूँ मैंने कहा मुझसे क्यों घबराते हो भैया तो ऐसे हुआ था थोड़ा सा ये झिझक थी उसमें लेकिन आशा जी क्या ये बात सच है कि राजेश खन्ना जी की गाड़ियों पे इतनी लड़कियां कुछ इस कदर मरती थी कि वो लिपस्टिक के निशान हो जाते थे और लोग जो बात करते हैं वो दौर तो आपने देखा है और आपकी सुपरस्टारडम और उनकी सुपरस्टारडम जब पिक्चरें आती थी ये जो बातें हम सुनते हैं वो सच था हाँ बिल्कुल सच था हम लोग शूटिंग कर रहे थे कटी पतंग की और वो बोट का गाना था तो हमारे से शूटिंग नहीं हो पाई क्योंकि जैसे ही राजेश खन्ना ने एंट्री ली ओहो जो भीड़ और जो हंगामा था उस दिन तो शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी देन दे हैड टू गेट मोर पुलिस तब जाके ये गाना पिक्चराइज हुआ तो ये बोट वाला गाना कौन सा था आदि तुम्हें मालूम है जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा उस गली से हमें तो गुजरना नहीं मुझे तो ये गाना इस वक्त सबके साथ गाने को दिल कर रहा है क्योंकि आशा जी यहाँ है राजेश खन्ना जी की याद में अलका जी हो जाए जिस गली में तेरा घर न हो बालमा उस गली से हमें तो गुजरना नहीं जिस गली में तेरा घर न हो बालमा उस गली से हमें तो गुजरना Thank you so much. अच्छा इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े जी अलका बहुत इम्पोर्टेंट काम रह गया है oh, yes. आर्यनंदा ने दुनिया हिला दी
आशा के लिए मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है. वैसे मैंने आप लोगों का प्रोग्राम देखती रहती हूँ मैं. थैंक यू मैम. तो पता चला कि साशा बहुत सारी चीज़ें करती रहती है. कभी वो एक्टिंग करती है, कभी वो डांस करती है. अभी भी वो गाना गा रही थी तो एक्टिंग कर रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था. लेकिन एक बात कहूँ जी, अब मैं जो कहूँगी वो आप करोगे? ओके. अच्छा, तो एक गाना है, दैया रे दैया मैं कहाँ फंसी. ओहो जी, वो करके दिखा दो. ओके ओके मैम, प्लीज आप भी जॉइन करो ना. आप आ जाओ हमको लेने. ये मैं कहाँ फंसी, हाय रे फंसी, कैसी फंसी, रो न आवे हंसी, पापे बचा लो तसी. दैया ये मैं कहाँ फंसी, हाय रे फंसी, कैसी फंसी, रो न आवे हंसी, पापे बचा लो तसी. थैंक यू सो मच मैम. आशा जी के लिए जोरदार तालियां.
भी ताली बजा रहा है। ये तीनों गाने जो है अगर आप बैठ के आराम से सुनेंगे तो इसकी लिरिक्स जो है ना वो बहुत ही सुंदर है। और ये लास्ट गाना तो कश्मीर में पिक्चराइज किया था शिकारे के ऊपर, बहुत उम्दा गाना है, वो भी नैयर साहब का गाना है, वेरी नाइस। मिस्टर रिचू कुटन, आई लव यू, ग्रेट सिंगिंग सोर, अच्छे लग रहे थे तुम्हारे। थैंक यू। अकड़ के जितनी बार भी थैंक यू कहोगे मैं तारीफ करने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि तुम अच्छे हो। जिस तरह से तुम झुकोगे नहीं, मैं सच्चाई बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। यू आर वेरी गुड बेटा, यू आर एक्सीलेंट। और एक जगह पे तुमने ना रफ़ी साहब की जो वो अदा थी, लुट गई जमीन गुल गया आसमां जाने मन, वो जो जाने मन तुमने किया था, ओ माय गॉड, वो जो अदा थी जो रफ़ी साहब वाली थी, वो एक छोटे से बच्चे ने एग्जैक्ट कैसे प्रिसाइसली निभाई, ओ माय गॉड। रिचु पुटन, आप जो है दोस्ती नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं है। आप बहुत छोटे हैं, ये तो बहुत बड़े भाई हैं आपके, तो ऐसे झगड़ा करना अच्छा नहीं होता है। Yes. इनकी बात तो सुन लो, हमारी नहीं सुनते हो कभी, इनकी तो सुन लो। मैं तो तुम्हारी दादी जैसी हूँ, तो आज तुम ये कहो कि मैंने माफ कर दिया। तो आज तो माफ कर दो। जाओ बेटा। रितु मान जा यार। जाओ बेटा। नहीं। रितु मान जाओ। दोस्ती पक्की के नहीं, अब बोलो। माफ कर दे, कोई बात नहीं। रिचु कुटुन, ऐसे नहीं करते बेटा, बुरी बात है। बिचू मानिया, अब मैम इतना बोल रही है तो मैं करता हूँ। वाओ, अरे वाह, पक्का ना, तालियां बजाइए प्लीज। सो मच आशा जी, आपने तो यू मेड माय डे। पर मैं बोल के नहीं बता सकता, मैं गा के सुना। अच्छा, गा के सुना। अच्छा, गा के बताओगे? गाना गाओगे ऋतुराज? तो मैं भी तुम्हें इसी बात का जवाब दे देता हूं, मैं तुम्हारी दोस्ती एक्सपेक्ट कर रहा था, तुमने मुझे और गहरा दुश्मन बना दिया है, लेकिन मेरी भी सुन लो। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। मिस अरुणिता खांचीलाल, बताइए कि अरुणिता के अजूबों से कौन आ रहा है फेवरेट आपका? आदि भैया, मेरे टीम से अभी आ रहा है मोहम्मद फैज। सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा।
से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। वेरी गुड। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। तेरा
बात है। तीनों गाने तीन हीरो के थे, अलग अलग थे, लेकिन सबसे बेस्ट था देव साहब का गाना। और आप जो है वो काफ़ी कुछ देव साहब की तरह लगते हैं और एक्ट भी करते हैं, तो देव साहब ऑलवेज एक स्कार्फ घूम रखते थे, उनको स्कार्फ्स के बहुत शौक था, तो बहुत अलग अलग टाइप के स्कार्फ्स पहनते थे। तो आज मैं आपको एक स्कार्फ देना चाहती हूँ। मुझे तुमसे प्यार था, ये तो ऐसे ही हैंडसम या और हैंडसम लग रहा है। My God, क्या बात है। वैसे देव साहब के साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, मैंने सिर्फ 3 पिक्चरें उनके साथ की है जी मैम। और मेरी जो दोस्त है, मैं दोस्त कहूँगी लेकिन मैं उनकी एक एडमायरर भी हूँ, और मुझे लगता है शी इज़ अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, रियल वुमन ऑफ सब्सटेंस, वहीदा रहमान। और उन्होंने सबसे ज़्यादा पिक्चरें देव साहब के साथ की है, और उनकी वो जो गाइड फिल्म थी वो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत पिक्चर थी, और वहीदा जी क्या खूबसूरत लगी है और क्या अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। काश वो एक गाना था जो शायद मुझे करना पड़ता, तो मैं आशा पारे की तरह ही करती, वहीदा जैसे नहीं करती। वो गाना बहुत सुंदर था, आज फिर जीने की तमन्ना है। क्या बात है। काश को आज सच बना देते हैं जी, जरूर सुनाइए। नहीं, आपको डांस करना था उस पे, तो हम तो गा देंगे। अच्छा, हमको डांस करना पड़ेगा। ये देव साहब यहाँ खड़े हैं आज, देव साहब तो हो जाए, जाओ यार, हम लोग के पास क्या खड़े होगा। ओह माय गॉड, दिस इज सो एक्साइटिंग म्यूजिक। मजा आ गया मैम, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आशा जी के लिए। थैंक यू। आज फिर भी मेरी तमन्ना है, आज फिर मरने। राजा बेटा मनी धर्म कोट। मनी, पिछले हफ्ते तुमने अपनी बहन को रक्षाबंधन के लिए गिफ्ट दिया था ना, फ्रॉक, बहुत प्यारा सा। अरे हाँ, धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना, मैं रहूं। तो वो पहन के आने वाली थी इस बार, तो कहाँ है, कहाँ वो आई नहीं पहन कर, दिखी नहीं रही कहीं। तो जी मैम, वो पीछे रेडी हो रही है, बुलाओ उसको। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी संग रहना है। कितनी प्यारी लग रही है, प्रिटी प्रिटी पिंक में। हाय क्यूटी पाय, अरे वाह, बहुत ही क्यूट लग रही है। आप पे तो बहुत जच रहा है ये ड्रेस, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है।
भैया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ एड्रेस के लिए. बोलो 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 थैंक यू. थैंक यू भैया. और आपका जो बीच में एक दांत नहीं है ना उसके साथ और भी जच रहा है एड्रेस. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर कि इसको बहुत शौक था ये फ्रॉक का ये सब चीजों का जी. तो आज इससे ज्यादा तो मैं खुश हूँ. तो इसको तुम देते रहा करो गिफ्ट. जी बिल्कुल है ना. एक बहुत अच्छी बात है कि भाई को याद रहा कि राखी के दिन उसको एक फ्रॉक जो उसको पसंद था पिंक कलर का वो उसने लाकर उसको दिया. बहुत अच्छा लगा. आपकी मम्मी से बात ज़रूर करूंगी मैं कि नमस्ते. आप धर्मकोट से हैं. आप चाहते हैं कि ये एजुकेशन अच्छी तरह से करे और वो मतलब पढ़ लिख कर कुछ बने, ये आपकी अपेक्षा है? जी हाँ मैम. तो मैं भी यही चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा पढ़े. मैं इसकी पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी. धन्यवाद मैम, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद. ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे मैम. बहुत ही बहुत धन्यवाद. आशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. वही वही स्वीट. चलिए फिर एक प्यारा सा गाना सुना दीजिए. आप चलिए मेरे साथ. Yeah.
बात है मनी, आशा जी कैसा लगा मैम? बहुत बहुत अच्छा लगा बेटा. आपने सीखा है कहीं, सीखा है गाना गाने के लिए? नहीं मैम, कहीं नहीं. नहीं तो फिर आप गाना कैसे गाते थे? तो ऐसे ही गुनगुनाते रहते थे जी. बहुत खूब, बहुत खूब. सीखे बगैर इतना अच्छा गा रहे हैं. ये तो बस ये ऊपर वाला ऐसा डाल देता है गले में कि पता नहीं ये कहाँ से सीख के आ जाते हैं. ये पिछले जन्म से सीख के आया है लगता है. अच्छा आप जरा एक मिनट के लिए यहाँ आएंगे. आप जो है बहुत हैंडसम भी है. आप गाते भी बहुत अच्छा और आप लगते भी बहुत अच्छे. और मुझे लगता है आप कुछ धर्मेंद्र जी जैसे दिखते हैं. आपकी आंखें जो है ना उसमें शरारत है जैसे धर्मेंद्र जी की आंखों में है. तो एक गाना हो जाए धर्मेंद्र जी का. मैं कहूँ कौन सा? साथिया. गाओगे? वाओ क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. Thank you. प्रभु यहां पधारिए. Oh,
हमको तो आपका भजन सुनना था, लेकिन आपने तो मेरे गाने गाए। इसके लिए ऐसे करते हैं कि आप इधर आइए, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं जो। प्रांजल, बहुत नसीब वाले हो तुम, आशीर्वाद मिल रहा है आशा जी का। कहाँ हो? अरे मेरा तो है ही सदा सदा से। गॉड ब्लेस यू। अब आ रहे हैं चैतन्य वैश।
ये इसलिए मैं उठी कि लास्ट वीक आपने जो गाना गाया था वो छोटे बच्चे के साथ, शुएब के साथ, हाँ वो इतना अच्छा था, थोड़ा सा मतलब क्लासिकल था उसमें और सारे गम जो लगाए थे वो हो, बहुत मज़ा आया था। उसके लिए मैं उठ के तालियां बजा रही थी और अभी भी आपने जो दोनों गाने गाए बहुत बहुत अच्छे थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस और उम्मीद है कि आप फाइनलिस्ट में और भी आगे बढ़ जाए। दुनिया हिला दी। मेरा दिल कर रहा है इन सबके हाथ में एक एक ट्रॉफी पकड़ा दूं। क्या बात है। इनमें से एक पता नहीं कैसे क्या होगा ग्रैंड फिनाले में। ये बहुत एक थोड़ी घबराहट भी हो रही है, थोड़ी एक्साइटमेंट भी हो रही है। वाकई में ये सब ट्रॉफी डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, एक से एक बढ़कर है हमारे सब बच्चे, बेस्ट बच्चे एवर। बिल्कुल। लेकिन दानिश तुम्हें क्या लग रहा है, कौन सी टीम को मिलेगा सुपरस्टार सिंगर की ट्रॉफी? सर किसी को भी मिल सकता है, बिकॉज ये सब लोग इतना कमाल का गा रहे हैं। सलमान अली आपको क्या लग रहा है, क्योंकि पहले आपने कहा था कि ट्रॉफी तो आप ही ले जाओगे। सर मजा आएगा ना, जब कोई टक्कर का होता है सर तभी मजा आता है। तो इस वक्त आपकी अदा ये कह रही है कि लेके तो आप ही जाने वाले। सर बिल्कुल, इसमें कोई दोहराया तो है नहीं। सर जब भी सलमान के अंदर वो सीनियर बना आता है ना, तो मेरे अंदर का जूनियर जाग जाता है। लेकिन सीनियर और जूनियर के बीच में एक विनर भी है, इधर हमारा पवनू। तुम क्या कह रहे हो, तुम कुछ कहते ही नहीं पवन। हमारे बच्चे करके दिखाएंगे। ऐसी बात बताई जो मैं पता ही नहीं थी कि इनमें से एक ले जाएगा। मैं, मेरे को तो लगता है कि बच्चे गाएंगे एकदम, और उनके गाने से ही पता चलेगा कि कौन ट्रॉफी लेके जाएगा। बिल्कुल, और हमें सुपरस्टार सिंगर के ये बेस्ट बच्चे एवर पर पूरा भरोसा है। आशा जी आप यहाँ आई हैं और हमारे कैप्टन्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं कि आशा जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं और वो आपके लिए कुछ प्यारे प्यारे गाने सुनाना चाहते हैं। नहीं जाना कि जीना लगे,
साथिया नहीं जाना के जीना लगे, मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। मेरे दिल से सितम गए तूने अच्छी दिल लगी के बन के दोस्त अपने दोस्तों से दुश्मनी की दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मुझे गम देने वाले तू खुशी से, मेरे दुश्मन। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.